नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चीन के विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध विराम के लिए बीजिंग मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और दोनों देशों से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकालने की अपील की। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी ने उन लोगों से बात की जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। भारत सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नई पहल की, जिसके तहत लोग अपने सहायक कर्मचारियों को पेंशन देने में सहायता कर सकेंगे। कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के फर्जी दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव मांगा और 14 मार्च को अगली सुनवाई पर चर्चा करेंगे। भारत ने एक बार फिर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने अधिक दूरी पर सटीक हमला कर दिखाया। असम की माजुली विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव, जो केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनवाल के राज्यसभा में जाने से खाली हुई थी। यूपी के वाराणसी में भाजपा प्रत्याशी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को होमगार्ड ने मतदान केंद्र में जाने से रोक दिया। काफी देर बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद डॉक्टर नीलकंठ बूथ के अंदर जा सके। दिल्ली नगर निगम चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली सरकार व भाजपा पर नगर निगम में हो रहे जनविरोधी कार्यों को कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर इनकी सच्चाई बताने का आग्रह किया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां पंजाब विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले हुई इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार गुरुग्राम फरीदाबाद सहित राज्य की तमाम अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पुरानी पॉलिसी में बदलाव कर रही है। उत्तराखंड में कोरोना से जिन व्यक्तियों की मौत हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए देहरादून के जिलाधिकारी को 861 मृतकों की सूची प्राप्त हुई है। झारखंड में आजसू पार्टी द्वारा आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पार्टी के करीब 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 बड़े नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आकर जिला पुलिस बल का एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए बजट सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में कहा कि यह राज्यपाल का विरोध है या फिर संवैधानिक व्यवस्था का। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मल्टी टास्क वर्कर के 8000 खाली पदों को मेरिट के आधार पर भरे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों को तेजी देने के लिए जम्मू पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, शहर में निकाली स्वागत यात्रा। सेशल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्स का जहाज जोरस्टर कोलकाता पहुंचा, जहां नौसेना अधिकारियों ने इसका जोरदार स्वागत किया। गुजरात के अहमदाबाद में बागवान समूह के 31 स्थानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जहां कंपनी पर बेनामी संपत्ति एवं अवैध रूप से धन जमा कराने का आरोप है। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 10 मार्च को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले चुनाव के बाद परिदृश्य पर चर्चा के लिए राजस्थान पहुंची, जहां अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए कच्ची हल्दी का सेवन जरूरी होता है। यह न सिर्फ रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करता है, बल्कि इंसुलिन प्रतिरोध के मुद्दे को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। भारतीय सेना के SSC टेक के तकनीकी कोर में महिलाओं की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महिला उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि शेन वॉर्न अपने फन में माहिर थे, लेकिन वो मेरे लिए दुनिया के बेस्ट स्पिनर नहीं थे।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म क्वीन के 8 साल पूरे होने की खुशी में प्रमोशन के दौरान की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में कंगना के साथ क्रिकेटर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी के साथ अजिंक्य रहाणे, रविंद्र चंद्रन अश्विन और स्टुअर्ट बन्नी सिर पर बर्थडे कैप पहनकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं।